हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बिल्डिंग्स की उन सारी क्लासिफिकेशंस को, उन सारी डिटेलिंग को। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखें, डू नॉट मिस एनी सिंगल सेकंड। लास्ट के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था उन सारे स्पेशलाइजेशंस को, उन सारी डिटेलिंग्स को। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लोर करने वाला हूँ उनमें से किसी एक कॉन्टेंट को, जो पहला वाला था बिल्डिंग्स। तो आज हम बात करेंगे बिल्डिंग्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोग इंटरव्यूज़ को जाते हैं, इंटरव्यू अटेंड करते हैं, उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स को ये सवाल का सामना करना पड़ा है कि इंटरव्यू में बैठने के बाद आपको पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन, या कौन से स्पेशलाइजेशन में आपने वर्क किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको उसकी डिटेलिंग देता हूँ। बिल्डिंग्स के अंदर आपको देख सकते हैं छः क्लासिफिकेशंस। ठीक है, उन छह क्लासिफिकेशंस के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। जो पहला वाला आता है आपका रेसिडेंशियल में आपको देखने को मिलता है अपार्टमेंट्स, बंगलोस, फार्म हाउस, कुटेरा हाउस, विलास। तो कुटेरा हाउस इज़ नथिंग बट बैम्बू हाउस। तो नेक्स्ट आता है आपका कमर्शियल। सो कमर्शियल में आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक्स, बिजनेस एरियाज या बिजनेस स्पेसेस, पेट्रोल पंप्स, रिटेल्स में आ जाएंगे आपके मॉल, शॉपिंग मॉल्स, सुपरमार्केट्स। और नेक्स्ट होता है शॉप्स, यानी छोटे जो जनरल स्टोर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें कमर्शियल में आती है। फिर इसके बाद एक और सेक्टर होता है जो होता है हॉस्पिटैलिटी में आपको आती है कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, PHCs और सिमिलर किस्म के ही बहुत सारे बिल्डिंग्स। फिर एक होता है इंडस्ट्रियल पार्ट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आते हैं। जो मेनली जो क्लासिफिकेशन है वो आपको मैं बताऊंगा उसके। एक होता है सीमेंट इंडस्ट्रीज़, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो बड़े बड़े कार्स का, ऑटोमोबाइल्स का। थर्ड होता है शुगर इंडस्ट्रीज़, जिसमें बहुत सारे शुगर प्लांट्स आ गए। फिर ऐसे ही आगे दाल मिल्स जो भी है, वो सारे प्रोडक्ट्स, उन सारे प्रोडक्ट्स का सेटअप, उनका यूनिट, ये सारी चीज़ें आती हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में। फिर इसके बाद एक और सेक्टर है जो है आईटी सेक्टर्स में आपको देखने के मिल सकते हैं आईटी पार्क्स, SEZs, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग्स, जैसे कि मान्यता टेक पार्क है या आपका साइबर सिटी है। ऐसे सारी चीज़ें जो होते हैं वो आईटी सेक्टर में आती हैं। अब उसके बाद एक और सेक्टर निकल कर आता है PEB का, जो वास्ट ग्रोइंग है, फिलहाल ऑन द बूम है। ये PEB स्ट्रक्चर्स में आपको देखने को मिल सकते हैं कोल्ड स्टोरेजेस, कन्वेंशन सेंटर्स, फंक्शन हॉल्स, वेयर हाउसेस, या फिर बड़े बड़े कंपनीज़ के कोई रिकॉर्ड रूम्स। ये सारी चीज़ें आपको PEB में आ सकती है। तो ये दोस्तों, ये छह क्लासिफिकेशंस है बिल्डिंग स्पेशलाइजेशन के। तो इसके अंदर ये बहुत सारी टाइप्स की बिल्डिंग आती है। इससे हटकर भी आपको जो स्मॉल स्केल बिल्डिंग्स आती है, जैसे 30, 40, 1200 स्क्वायर फीट, 1400 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, ये सारी चीज़ें आपको बिल्डिंग्स में आ जाती है, रेसिडेंशियल में आती है। तो रेसिडेंशियल के अलावा तो भी मैं मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा इन सारे जितने भी 5 क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताया है, उन सारे 5 क्लासिफिकेशन की डिटेलिंग आपको बताऊँगा कि कैसे एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बनती है, कैसे स्टार्ट होती है, उसका इनिशियल सेटअप क्या होता है, किस तरीके से वहाँ पे आपका डिज़ाइन बनता है, किस तरीके से साइट फाइनलाइज होता है, साइट मोबालाइजेशन कैसे होता है, साइट पे इंस्पेक्शंस क्या क्या होते हैं, मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, क्लाइंट का क्या रोल होता है। ये सारी चीज़ें आपको मैं मेरे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे मेल आईडी पर मुझे मेल कर मुझे कमेंट कर बता देना कि आपको इन 5 क्लासिफिकेशंस में से कौन सी क्लासिफिकेशन पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वो इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकूँ, आपके साथ नॉलेज शेयर कर सकूँ। सो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपके सामने आऊँगा एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।